क्लास टेंथ चैप्टर सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स उसकी एक्सरसाइज है 3.5 जिसमें कि हम क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा यूज कर रहे हैं और उसका ये मेरे वीडियो का पार्ट सेकेंड। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे और उससे आगे की बात। ठीक है, क्वेश्चन टू में मैंने फर्स्ट पार्ट अपने पहले वाले वीडियो में कराया था, क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड पार्ट हम करेंगे। कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं कि 3x प्लस का y इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है कि 2 के माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस का 1। ठीक है, कंडीशन मुझे दे रखी है कि फॉर नो सॉल्यूशन। तो पहले मैं a1 a2 लिख लूँ, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू 1। ये कोफिशियंट है तो ये a1 के इक्वल, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ c1 ये आ गया। ऐसे ही a2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इज इक्वल टू k माइनस 1 और c2 इज इक्वल टू 2k प्लस का 1। ठीक है, कंडीशन हमारी थी फॉर नो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन क्या था कि a1 अपन f2 इज इक्वल टू b1 अपन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2। ये वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट कर देनी है और नॉट वाले की वैल्यू जरूर निकाल ली है। a1 अपन a2 किसके इक्वल दे रखा है, 3, a2 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 1, k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू 2k प्लस का 1। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1। ट्रांसपोज कर देते हैं k को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो 2k माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, ये k इज नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू साइन आई है माइनस 2। तो k की वैल्यू माइनस 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई सी भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर k की जगह पर पुट करेंगे तो नो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 देन वी गेट नो सॉल्यूशन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पहले पढ़ चुके, हमारा मेनली कंसंट्रेशन है किस पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसमें यूज करेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और वो क्या कह रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम उसको करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिखा हुआ कि 8x प्लस 5 बाई 8x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 4। यहाँ फिर से हमने लिख लिया कि a1 इज इक्वल टू 8, b1 इज इक्वल टू 5 और c1 इज इक्वल टू 9, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू 4। फार्मूला हम कैसे बनाते थे कि b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। अब ये दोनों इक्वल के इस साइड हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस 1 ये x और ये y, तो हम इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। b1 b2 की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 2, c1 c2 की वैल्यू 9, 4 और a1 a2 की वैल्यू 8 और 3 और b1 और b2 2 हो गया।
यहाँ से x आएगा, यहाँ से y आएगा, यहाँ से माइनस वन आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही इसमें कर देंगे। तो x डिवाइडेड बाई 5 4 20 हुआ, माइनस हो गया 9 2 18 इज इक्वल टू बाई 9 3 27, और माइनस करेंगे 8 4 32, दिस इज इक्वल टू माइनस 1, 8 2 16, -5 3 15। ठीक है ना, तो चाहो तो हम यहाँ पे इस तरीके से एरो मार्क कर सकते हैं, मतलब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस लगाते हैं अपनी तरफ से। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू क्या बना हमारा, -1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, इसको इसके साथ में क्रॉस कर दिया और फिर इसको भी इसके साथ में क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इज इक्वल टू -2 और वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 के इक्वल आते हैं। ये दो क्या हो गई इसकी वैल्यू छोड़ेंगे। ठीक है, अगर हमें चेक करना है एक्स वाई की वैल्यू, हम यहाँ पर पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में और क्या होगा कि आंसर आ जाएगा, अगर इक्वल आ जाता है आर एच एस के तो हमारा आंसर ठीक है। तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाई एनी एल्जेब्रिकल मेथड, मतलब किसी भी एल्जेब्रिकल मेथड से ये बर्ड प्रॉब्लम जो है वो हमने करनी है। ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं या कोई सा भी हम लगा सकते हैं। अब हमने पढ़ चुके ग्राफिकल, सब्सिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी चारों मेथड अब हमारे सामने हैं। आपकी इच्छा है किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं, बर्ड प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही कहा था कि हर एक्सरसाइज में कुछ कुछ बर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। सॉरी, ए पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक द फूड फॉर द 20 डेज सी हैज टू पे ₹1000 एज द हॉस्टल चार्जेज। दिस द स्टूडेंट पी हु हैव टेक द फूड 26 डेज पेज 1180 एज द हॉस्टल चार्जेज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हमने x बाई 2 वेरिएबल में सपोज कर ली। तो हमने यहाँ लिखा कि लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज, और चार्ज पर डे इज इक्वल टू वाई रुपीज। इस तरीके से मान लिया। अब जो ए था उसने 20 डेज फूड खाया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया, यानी एक्स आ गया 20 दिन, एक दिन में 22 रुपीज लगते हैं, तो 20 दिन में 20 22 कितना पैसा खर्च हो रहा, 1000 रुपीज। ठीक है, और फिर कह रहा हु टेक्स द फूड, बी एक और दूसरा स्टूडेंट है जिसने 26 डेज खाया, तो फिक्स चार्ज हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा दोनों के इसके लिए, और पैसे उससे खर्च हो गए 1800 मैं 1180। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी मेथड से हम सिंप्लीफाई कर लें। तो देखो यहाँ एक्स एक्स का दोनों का कोफिशियंट सेम है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लिखा हमने ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट किया, ये साइन चेंज हो गए दोनों के, ये कैंसिल हो गया, -6y बचा, यहाँ कितना बच गया, -180, 1180 में से ये माइनस किया, तो बाई तो 180 अपन में 6 तो 30 आ गया। तो एक दिन के खाने की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है। अब बाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वो बाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, इसको नंबर 1 मान लिया, इसको नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा कि पुट बाई इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, 1 थोड़ी ज़्यादा आसान सी लग रही, वैसे किसी में भी कर सकते हैं। तो एक्स प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, एक्स की वैल्यू 30 आई, वो वाई की वैल्यू 30 आई, तो 20 × 30 इज इक्वल टू 1000। एक्स कितना हो गया, 2 3 6, 600 हो गया, 1000 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1000
माइनस 600, दिस इज इक्वल टू 400 रुपीज। ठीक है, तो चार्ज पर डे तो हो गया 30 रुपीज और फिक्स चार्ज हो गया उसका कितना, 400 रुपीज। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। जो भी हमारा बर्ड प्रॉब्लम होता है उस बर्ड प्रॉब्लम में क्या गिवन है उसको बस हम क्या करते हैं कि एक्सप्लेन कर देते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में बना देते हैं, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट क्या करा, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स द 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। ऐसे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत आसानी से इक्वेशन बन जाती है। हम मान लेते हैं क्या कि न्यूमरेटर इसका 1, डिनोमिनेटर y है। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का क्या बन गया मेरा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है तो x अपॉन में y। अब जैसा ये कह रहा वैसे ही हम कर देंगे, कह रहा 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में से 1 कम करने के लिए कह रहा तो कर देते हैं। यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज करने को नहीं कह रहा, तो ये फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी 3x-3 इज इक्वल टू y, 3x-y इज इक्वल टू 3, इसको नंबर बनवा लिया। आगे क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने के लिए कह रहा, तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन कितना हो जाता है, इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, क्या बन जाएगा ये 4x-y इज इक्वल टू 8। अब ये दो इक्वेशंस बन गए हमारे पास, एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि एलिमिनेशन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड, या कोफिशियंट सेम है दोनों को प्लस वो सब्ट्रैक्ट करने पे कट कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू हम निकल आएगी किसी भी इक्वेशन से, यहाँ पुट कर देंगे फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है, एस स्कोर 40 मार्क्स इन द टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड फॉर द इनकरेक्ट आंसर, देन एस शुड हैव स्कोर द 50 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन दे रखे थे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लिख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में कि लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी एक्स एंड इनकरेक्ट आंसर्स जो है वो वाई। ठीक है, अब ये हमसे कह रहा है कि 40 मार्क्स उसने स्कोर किए तो 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा, एंड लॉजिक 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 40 मार्क्स उसको मिले हैं, दोनों को ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 40 लिख देंगे, एक इक्वेशन यहाँ से बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या होगा कि हो जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट इसका जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसको बताते हैं आपको। क्या लिखा कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द हाईवे, वो फ्रॉम ऑन ए हाईवे, तो हमने मान लिया कि ये ए है और ये क्या है बी है, ये दो प्लेसेस हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है मुझे, 100 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, ऑन वन कार इज स्टार्ट फ्रॉम द ए एंड अनदर फ्रॉम द स्टार्ट बी एट द सेम टाइम, एक कार यहाँ से शुरू हुई, एक दोनों एक यहाँ से शुरू हुई और ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन विद एट द डिफरेंट स्पीड्स, मतलब एक इधर से ऐसे गई और एक दूसरी बी वाली यहाँ से ऐसे चल करके गई, 5 घंटे के बाद दोनों मिल गई आकर के यहाँ पर, मान लिया। ठीक है, इफ़ द ट्रेवल द टूवर्स द ईच अदर देन दे मीट, अब फिर दूसरी कंडीशन में ये क्या कह रहा है कि ए तो ये था और बी ये था, यहाँ से इस साइड गया और दूसरी कार यहाँ से इस साइड आई और 1 घंटे में वो किसी पॉइंट पर मिल गए आकर के, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो मैंने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया,
लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग या स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ए पॉइंट से शुरू हुई, उसकी स्पीड मैंने एक्स किलोमीटर पर आवर मान ली। ऐसे ही कार स्टार्ट फ्रॉम बी बाई किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है। अब आप अच्छे से देखो कि यहाँ से यहाँ तक इसको चलने में 5 घंटे लगे और यहाँ से यहाँ तक इसको चलने में 5 घंटे लगे, तो ए वाली 100 किलोमीटर ज़्यादा चली, तो क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस 1 घंटे में तो 1 किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में 5x जाएगी और ये 5 घंटे में 5y जाएगी। तो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा ये कि 5x माइनस 5y इज इक्वल टू, ए वाले ने 100 किलोमीटर ज़्यादा चला तो सारी पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो रही, तो x माइनस वाई 5 × 10 ये एक इक्वेशन होगी। दूसरी कंडीशन में ये क्या कह रहा है कि ये तो इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है और दोनों मिलकर के 1 घंटे में मिल गए यहाँ करके, तो दोनों ने मिलकर के 100 किलोमीटर चला, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 100 के बराबर आ गया, ठीक है। अब आप देखो हमारे पास दो इक्वेशन फिर बन के तैयार हो गई और क्या होगा कि यहाँ ये ऑन एडिंग लिख देंगे, ऑन एडिंग ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा अभी आता है 2x इज इक्वल टू 120, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60। तो जो कार इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब ये वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि पुट एक्स इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन सेकेंड में लिख दिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, एक्स की वैल्यू 60 प्लस वाई 100 आ गया, वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बी की स्पीड तो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर और ए की स्पीड हो गई, यानी जो कार ए से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक और है, वो भी देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर। जब भी एरिया की बात आई और रेक्टेंगल है, तो पहले हमारा काम क्या हुआ कि हमने एक रेक्टेंगल इस तरीके से बना दिया, ये लेंथ एक्स मान ली और ब्रेथ वाई मान ली। तो यहाँ लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या है मीटर में यूनिट दे रखी है, तो एक्स यूनिट लिख दिया, ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकती है। और इसी तरीके से ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी, वाई यूनिट हो जाएगी, ओके। अब ये एरिया क्या होती है इसकी, एक्स वाई हुआ करती है। अब ये कंडीशन हम सेटिस्फाई कर देंगे, एरिया पे रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, तो लेंथ मेरी एक्स थी, तो कह रहा है कि लेंथ 5 यूनिट कम कर दें एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट और ब्रेथ क्या कर दें 3 यूनिट से बढ़ा दें, तो एरिया जो हमारी थी उससे कितनी कम हो जाती है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है, तो मैंने 9 इसमें कम कर दिया, ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन गई। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई आ गया, प्लस का 3x आ गया, माइनस 5y आ गया, माइनस का 15 आ गया, एक्स वाई आ गया, माइनस 9 आ गया। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक कुल के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और बाकी बची हुई एक इक्वेशन बन जाएगी, माइनस 5y माइनस 9 और प्लस का 15, तो कितना बचाइए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ऐसी दूसरी बना लेंगे, इफ बी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, लेंथ को करा 3 यूनिट से बढ़ा दो, तो एक्स प्लस 3 आ गए एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट, मतलब ब्रेथ भी 2 यूनिट से बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 2 यूनिट बढ़ा दी एंड द एरिया इज इंक्रीज बाई 67, यानी ये जो एरिया थी इससे इसकी एरिया कितनी हो गई 67 ज़्यादा हो गई, तो मैंने इसको 67 प्लस कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई आया, 2x आया प्लस 3y आया, प्लस का 6 आ गया, xy आ गया प्लस का 67 आ गया,
इस एक्स वाई के कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y। ये 6 इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 बन आ जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। तो अब ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई, इनसे क्या, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा क्या होगा कि वो एक्स वाई की वैल्यू लेंथ होगी एक्स और ब्रेथ होगी वाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, क्लियर है भाई। तो ये तो थी ये वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और समझ में अगर ये क्वेश्चंस आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।